दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किसी भी मोबाइल में अगर क्वालकॉम प्रोसेसर लगा हुआ है, उसमें क्वालकॉम यूनिवर्सल प्रोसेसर लगा हुआ है उसमें, तो उस मोबाइल का, उस स्मार्टफोन का आप जो है EMI रिपेयर कर सकते हैं अपने UMT डोंगल से। अगर आप जानना चाहते हैं कि UMT डोंगल से EMI कैसे रिपेयर किया जाएगा, फिर इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX19 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा और अभी तक अपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि UMT डोंगल से जो है हम EMI रिपेयर करेंगे क्वालकॉम CPU का, यानी किसी भी मोबाइल के अंदर में अगर क्वालकॉम CPU लगा हुआ है तो उसका जो है आप EMI रिपेयर कर सकते हैं अपने UMT डोंगल से। तो UMT डोंगल जब आप ओपन करेंगे तो आपको ध्यान रहे कि उसमें जो इंडियन सेटअप होता है और इंटरनेशनल सेटअप होता है, तो आपको इंटरनेशनल सेटअप का यूज़ करना है। जैसे मान के चलिए 4.3, 4.2, 4.4 जो भी हो सेटअप, लेकिन उसमें इंडियन होता है और इंटरनेशनल होता है, तो आपको EMI रिपेयर करने के लिए इंटरनेशनल सेटअप को इंस्टॉल करना होगा अपने कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये ओपन होगा यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब ये आपका UMT डोंगल ओपन हो जाएगा तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो QC यूनिवर्सल जो है, जो यूनिवर्सल का जो मतलब क्वालकॉम CPU जो भी यूनिवर्सल में आता है, तो यूनिवर्सल को आप जो है EMI रिपेयर कर सकते हैं इस अल्टीमेट मल्टी टूल से। तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैसे हमको रिपेयर करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने कि UMT डोंगल का जो अल्टीमेट मल्टी टूल यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे सामने, और उसके बाद हम यहाँ पे स्कैन करेंगे। ऑटोमेटिकली स्कैन करने के बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमें जो है डायरेक्ट पोर्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट पोर्ट लाने के लिए मोबाइल में आपको डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना होगा, USB डेबगिंग इनेबल आपको कर देना होगा और डाटा केबल लगा देना होगा मोबाइल ऑन करके, ठीक है। उसके बाद ये पोर्ट जब सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको QC5 यूनिवर्सल टूल जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। QC यूनिवर्सल टूल आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे EMI आपको कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी तरह से दूसरा वाला EMI भी आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और EMI पेस्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन देख रहे हैं, इनेबल डायरेक्ट पोर्ट, यहाँ पे आपको एक बार इनेबल दे देना है। और इनेबल देने के मतलब आपको यह है कि आप यहाँ पे देख सकेंगे आपका फ़ोन जो है रूटेड है कि नहीं, ठीक है। और क्योंकि आपका फ़ोन जो है 100% रूट होना चाहिए, और आपका फ़ोन रूटेड रहेगा तभी जो है आप EMI रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इनेबल डायरेक्ट पोर्ट हमने दिया लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं किया, दोबारा से स्कैन करके हम यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए आपको हम दिखा दें यहाँ पे कि हमने डायरेक्ट पोर्ट इनेबल किया, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखता है कि हमारा फ़ोन जो है रूट एक्सेस, हमारा फ़ोन जो है रूटेड है, कंप्लीट हमारा फ़ोन रूट हो चुका है, ठीक है। क्योंकि आप जब भी किसी, आप मान के चलिए क्वालकॉम CPU का EMI रिपेयर करेंगे तो आपको जो है फ़ोन को पहले रूट करना होगा, और जब तक आप रूट नहीं करेंगे फ़ोन को तब तक आप EMI रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे चेकिंग रूट एक्सेस ओके, यानी हमारा फ़ोन जो है पूरी तरह से रूट हो चुका है। तो जब भी आप EMI रिपेयर करेंगे तो आपको पहले अपना फ़ोन को रूट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको यहां पे स्कैन करना है, इनेबल डायरेक्ट पोर्ट देने के बाद फिर से स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद फिर से आपको यहां पर मेथड सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे जितनी मेथड आप देख रहे हैं दोस्तों, मान के चलिए आप UMT 2 मेथड या 1 मेथड किसी में भी अगर आप EMI रिपेयर कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा आपका, तो ये यहाँ पे चारों मेथड दिखा रहा है, चारों मेथड को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका EMI रिपेयर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेते। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।